सब बढ़िया भाई। और सब बढ़िया बढ़िया। हापुड़ वाले टूल टैक्स पर पहुंच चुके हैं भाई। ये हम अपना न्यू ब्लॉग चालू करते हैं, बोल के जय श्री राम। आज हम गाड़ी लेके जा रहे हैं मारियो कंपनी से। हमारी गाड़ी में रस और फैन लोड हुए हैं। अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी का हमारा ट्रिप बना है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बोल के जय श्री राम। जाम खुलेगा जब निकलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। ये देखो वो क्रेन जा रही है ना, उस क्रेन ने सारा काम खराब कर रखा है। ये देखो यहाँ रोक लिए भाई अपनी गाड़ी। अभी केएमपी से नीचे जो अपना राय वाला कट है केएमपी के लिए चढ़ते हैं, उससे पहले गाड़ी रोक लिए क्योंकि 12:30 बज चुके हैं। अब खाना भी खाना है, खाना खा लेंगे तो केएमपी पे चल सकेंगे, नहीं तो केएमपी पे कुछ नहीं है खाने पीने का, कोई आइटम नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा अपने को। कहाँ तक, यहाँ से सीधा दासना तक कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं पे खड़ी करके खा पी के चलते हैं। जय माता की। भैया ये देखो, ये टूल टैक्स पे भीख मांग रही है, भीख मांग रही है। इसका सब कुछ है, आदमी है, हाथ पैर भी है, तब भी भीख मांग रही है ये। और ये टूल टैक्स ये हम पहुंच चुके हैं अपना हापुड़ वाला रूट। ये भैया डासना वाला टूल टैक्स था, अभी यहाँ से नीचे उतर चुके हैं। बैठो बैठो। बढ़िया सब बढ़िया भाई। और सब बढ़िया बढ़िया। हापुड़ वाले टूल टैक्स पर पहुंच चुके हैं भाई। ये हमें मिले हैं और हमने इनको बिठाया, गदरोला तक जाएंगे ये। और भाई सब बढ़िया, कुछ कहना चाहोगे? अभी हम पहुंच चुके हैं हापुड़ टूल टैक्स पे भाई। ये रहा टूल टैक्स। अरे भैया भाई, रामपुर में नो एंट्री है और रात को 10 बजे नो एंट्री खुलेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा रामपुर से थोड़ा सा बाईपास से 2-3 किलोमीटर आगे आके यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है सेफ्टी से। ये खड़ी अपनी गाड़ी। अब हमें जाना है इस साइड में,
अब ये सीधा चला गया कहाँ पे? बरेली। बरेली तो जाना नहीं है, हमें जाना है कहाँ पे? रामपुर से सीधा रुद्रपुर, रुद्रपुर से सीधा हल्द्वानी। हल्द्वानी अंदर होके जाना पड़ेगा, क्यों? रामपुर का कोई बाईपास नहीं है। अब बाईपास है, बना ही नहीं है, अब क्या करें? चलो जैसी भी है काट लेंगे। अब 9:30 10 बजे तक, मान लो 10 बजे तक हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। 10 बजे के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। और शांति से खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, दिख लिया? और ये पेट्रोल पंप है, सुविधा भी बहुत बढ़िया। और इधर होटल भी है, इस साइड में होटल भी है। अब उस होटल पे जा रहे हम चाय पीने के लिए। आगे का आपको दिख। अब इस होटल पे गाड़ी खड़ी कर दी है। 9:30 बजे गियर मारेंगे यहाँ से, तब निकलेंगे। जब तक नो एंट्री भी खुल जाएगी अपनी, और आगे का सफ़र दिखलाते रहेंगे। कौन सा? जमींदार दा ढाबा, सरदार जी का। ये रामपुर बाईपास थोड़ा सा पार करते हैं, वहाँ पे खड़ी रखी है। ठीक है भाई, फाइनली भाई गल्ला मंडी पहुँच चुके हैं। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब इसके बाद अपना नंबर आ जाएगा और खाली हो जाएगी। उसके बाद आपको पूरा दिखलाते रहेंगे। जब तक के लिए जय माता की बोल गए ना, ना। भाई वो खड़ी अपनी गाड़ी, दिख गए। अब ये है हल्द्वानी की मंडी, जिसको बोलते हैं गल्ला मंडी। बहुत मशहूर मंडी है भाई ये। और अपनी गाड़ी ये खड़ी तन्नाना भैया गल्ला मंडी में खड़े हुए हैं, पार्टी वाले के पास, लाला के पास। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब लाला आएगा 10 बजे। अब 10 भाई नहाने के लिए आए थे, नहा धो के कंप्लीट हो चुके हैं। इधर नहा धो के कंप्लीट, ये शौचालय, और ये हमारे कपड़े सूख रहे, और ये साबुन वामुन सब कुछ यहाँ रख दिया। नहा धो के कंप्लीट, एकदम मज़ा आ गया। वो धूप भी कड़ाके की निकल रही है, अब चैन तो चैन है, सुकून मिल गया अपने को। चलो गाड़ी भी पॉइंट पे लगी हुई है, खाली होना चालू नहीं हुई अभी। अभी लाला की दुकान पे खड़ी हो चुकी है, लाला अभी अपनी गाड़ियों को सप्लाई कर रहा है, उसके बाद अपना नंबर आएगा। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय। ले जाओ। हेलो गाइस, भैया जी की दुकान पे आए हम माइक लेने के लिए। बहुत बढ़िया दिया है माइक, अभी कनेक्ट कर रहे हैं। भाई गाड़ी पॉइंट पे लग चुकी है, पीछे गाड़ी खाली हो रही है, गोदाम में लग चुकी है। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू सबको।